आप सभी लोगों का एडवांस हॉर्टिकल्चर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा आलू का बुवाई किस तरह से किया जाता है। ये आलू बोने की मशीन चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में पूरा बताता हूँ ये किस तरह से सोइंग करती है पोटैटो का, कितना कितना दूरी पर ये पोटैटो को डालती है, मैं आपको ये सब दिखाता हूँ। कुछ लोग आलू को बिना बेड पे ही फ्लैट में बो देते हैं, जैसे इस तरह से समतल एरिया होता है और इसी में आलू को लगा देते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ही कम आता है। इसीलिए आलू को हमेशा कूड़ और बेड बना के, फरो यानी ये गड्ढा है, इसको फरो बोलते हैं, ये कूड़ बन गया आपका ये गड्ढा और ऊपर ये बेड बन गया। इसी विधि से आपको आलू को बोना चाहिए हमेशा, यानी बेड पर ही बोना चाहिए। ये फरो और बेड का जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो मैं आपको बताऊंगा, इसी तरह से होना चाहिए पूरा। और यदि आप बिना बेड बनाए ही बोएंगे, फ्लैट में समतल में बोएंगे, तो आलू का अच्छा उत्पादन नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा कूड़ विधि से ही, यानी आपको बेड बना करके ही आलू का सोइंग करना है, बुवाई करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन ले सकें। आलू को जब इस बेल्ट में रखते जाते हैं, उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसमें ये इस तरह का एक खांचा है, इसमें पोटैटो जाएगा और इसके बाद जो बेड जो बन रहा है, उस बेड में ये पोटैटो को सोइंग करता रहेगा। यही सिस्टम इसमें चलता रहता है, ये दोनों साइड में होता है, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पोटैटो रखा होगा, इसमें पोटैटो है, जब ये आगे बढ़ेगा और ये फिर इसके बाद इसमें गिरेगा, देखिए इसमें गिरने के बाद ये बेड में जाएगा, बेड बन रहा है और बेड में ये पोटैटो के ऊपर मिट्टी आता जाएगा और ये पोटैटो का सोइंग इस तरह से होता रहेगा। ये देखिए आलू का बुवाई किया जा रहा है, ये लाइन से लाइन, यानी ये जो फरो बना हुआ है, देखो यहाँ से मिडिल से और मिडिल तक, ये जो डिस्टेंस है लाइन से लाइन की, ये है 2 फीट यानी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और ट्यूबर टू ट्यूबर जो बुवाई की जा रही है, आप देख सकते हैं, एक देखो ये यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, ये ट्यूबर से ट्यूबर की जो डिस्टेंस है, ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ पोटैटो ट्यूबर, यानी पोटैटो का, आलू का जो बीज है, जो ट्यूबर है, उसका साइज़ कैसा है। यदि ये साइज़ मीडियम साइज रहता है, तो इसका 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर या कुछ लोग 14-15 सेंटीमीटर पर भी इसकी सोइंग करते हैं, यानी ट्यूबर से ट्यूबर की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। ये यहाँ पे जो वो सोइंग हो रही है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर पे हो रही है, लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर और ट्यूबर से ट्यूबर 10 से 12 सेंटीमीटर। लेकिन यदि ये पोटैटो का साइज़, ट्यूबर का यदि बड़ा साइज होता, तो इसकी सोइंग 18 से 20 सेंटीमीटर पर भी की जाती है। इस तरह से एक यहाँ ट्यूबर होता, एक यहाँ ट्यूबर होता, 18 से 20 सेंटीमीटर पे ट्यूबर से ट्यूबर की डिस्टेंस होती। यदि ये और छोटा या सीड होता, तो ये 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे ही होती। लेकिन जब मीडियम सीड होता है, सीड का साइज़ बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, यानी 40 से 50 ग्राम का एक ट्यूबर होना चाहिए बुवाई के लिए, सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये आप इसको 10 से 12 या 14 सेंटीमीटर ट्यूबर से ट्यूबर रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सोइंग करना है। मैं आपको इसका मशीन दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए पूरा एकदम लाइन टू लाइन फरो बना हुआ है, और इसका जो सोइंग किया जाता है वो कितना डीप होना चाहिए, यानी गहराई कितना होना चाहिए, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लगभग आपका है 8 से 10 सेंटीमीटर गहरा है, गहराई भी आपका इसका 8 से 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर रहता है तो फिर अच्छे से जर्मिनेट होके नहीं आएगा, अच्छे से ग्रो नहीं करता है, और ज़्यादा गहरा कर जाएगा तो फिर ये जो है निकल के नहीं आएगा, इसीलिए आपको इसका मीडियम बना के रखना है। मशीन में आपको दिखाता हूँ, ये देखो मशीन है, इसमें ऊपर एक खांचा लगा हुआ होता है जिसमें हम पोटैटो भर सकते हैं, इसका कैपेसिटी लगभग 2 क्विंटल का होता है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से।
ये दो फरो बनाने वाली मशीन है, यानी दो कुंड बनाती है। चार फरो वाली भी मशीन आती है, चार कुंड बना के लेके जाती है, लेकिन ये दो वाला है। इसमें दोनों साइड में कुंड बन के जाएगा, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में। इसमें जो बेल्ट चलती रहती है, इसमें पोटैटो को डाला जाता है। इसमें चार लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, दो इधर और दो इधर, दो इधर हैं और दो लोग इधर। ये जो इसमें आपको पोटैटो डालना है, देखिए ये इसका एकदम से समानांतर होना चाहिए, यानी न तो इसमें कोई दो ट्यूबर जाना चाहिए और ना ही बिल्कुल खाली रहना चाहिए। और ये बुवाई आपका कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपका जो लेबर है उसका स्किल कैसा है और उसकी एफिशिएंसी कैसी है। यदि उसका स्किल और एफिशिएंसी दोनों अच्छा है तो समान बिल्कुल बुवाई होगी, नहीं तो कहीं छूट जाएगा, कहीं तो हो जाएगा। देखिए जितना जल्दी और जितना सरल और आसानी से ये इसमें डालेंगे, पोटैटो को रखते जाएंगे ट्यूबर को, उतना ही अच्छा बुवाई होगा। और देख सकते देखिए, और इस तरह से ये दो फरो बनाती हो जाएगी मशीन। और ये आलू बुवाई का अच्छा समय चल रहा है अभी। आलू बुवाई का जो सबसे अच्छा जो समय है, जो टाइम है, वो 15 अक्टूबर से लेकर के और 5 या 6 नवंबर तक बुवाई हो जाना चाहिए। 5-6 नवंबर के बाद भी कुछ लोग बुवाई करते हैं वो, लेकिन लेट वैरायटी होती हैं। टाइम से बोने के लिए 15 अक्टूबर से और आपका 5-6 नवंबर तक बुवाई हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से काम करता है ये मशीन। और आलू का जो क्रॉप है वो टोटल 3 से 4 महीने का क्रॉप है। यदि आपको बीज के लिए नहीं बोना है, सीड नहीं करना है, तो आप इसको 90-95 डेज में भी डिजिंग कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको सीड के लिए बनाना है, सीड बनाना है, तो आपको कम से कम 115 से 120 दिन मिट्टी में इसको रखना होगा, ताकि उसका बाहर वाला जो लेयर है वो हार्ड हो जाए। यदि कच्चा लेयर होगा तो बीज अच्छा नहीं बनेगा, सीड अच्छा नहीं होगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह से आप आलू की बुवाई कर सकते हैं। और ये इस तरह से फरो बनाती जाती है और इसमें पोटैटो ट्यूबर को सोइंग करती जाती है। ये सब काम मशीन से होता है। आलू गाड़ने का और आलू खोदने वाली मशीन आती है, इसका हार्वेस्टिंग होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद ये फाइनली इस तरह से बुवाई करती हुई जाती है, ये फरो बनता जाता है और ये बुवाई होके एकदम रेडी इस तरह से। देखिए
ये जो फरो जब बनाती है मशीन, इसकी गहराई पे भी डिपेंड करता है कि आपको इसको कितना ऊंचा रखना है। ये आपका कम से कम 1 फीट होना चाहिए। 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट तक यदि होगा इसका गहराई, बता रहा हूँ मैं आपको, यानी नीचे जो लेयर है सॉइल का और यहाँ से इस फरो का जो टोटल जो हाइट है, जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि पोटैटो टोटल नीचे जाता है, नीचे पूरा ग्रो करता है, नीचे ट्यूबर बनाता है, तो ये इसका जो हाइट है वो अच्छा मेंटेन होना चाहिए। यदि इसका हाइट ही मान लीजिएगा आपका केवल 6 इंच है या 8 इंच है, तो उसमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं आएगा पोटैटो का। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये कम से कम आपका 1 फीट होना चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 40 सेंटीमीटर तक होगा तो बहुत अच्छा है। और जब भी आप इसमें इरिगेशन देंगे, आपको ये ध्यान रखना है कभी भी इसको फुल डुबोना नहीं है फरो को। यदि मान लो इसका 30 सेंटीमीटर हाइट है, तो आपको केवल 15 सेंटीमीटर तक यानी हाफ तक ही केवल इसमें वाटर देना है, पानी देना है। यदि आपने इसको पूरा डुबो दिया तो ये पूरा जो फरो है, जो कूड़ है, ये पूरा बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें टोटल यदि ऊपर तक आएगा तो ये पूरा बैठ जाएगा। इसलिए आपको जो हाइट है इसकी, आधी हाइट तक ही आपको पानी देना है। आलू के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्चा करेंगे, आप हमारा चैनल देखते रहिए। अभी सोइंग का समय चल रहा है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया किस तरह से आपको मिट्टी का तैयारी करना है, पहले जांच कराना है, फिर तैयारी करना है। इसके बाद मैंने आपको दिखाया सोइंग किस तरह से आपको किया जाता है, किस तरह से मशीन इसकी चलती है। इसके बाद और भी हम वीडियो डालेंगे आपको, इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या क्या देना है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको पोटैटो को चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और आपको इरिगेशन कब कब देना है, कितना कितना इरिगेशन देना है, डिजीज़ कौन कौन सा आता है, कोई पेस्ट आता है, इंसेक्ट आता है तो कंट्रोल कैसे करेंगे, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो सब लोग आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एडवांस हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।